वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गणेश कोडे करियर बिजनेस कंसल्टेंट। मैं आज बताने वाला हूँ कस्टमर सर्विस के बारे में। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आए तो उस वीडियो को शेयर कीजिए आपके व्हाट्सअप ग्रुप में। तो कस्टमर इज अ गॉड। कस्टमर को खुश रहोगे तो कस्टमर रिटर्न रहेगा, कस्टमर आपको छोड़ कर जाएगा नहीं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कस्टमर सर्विस की ग्रीवेंस मैनेजमेंट। जो भी कस्टमर आपसे नाराज़ हुए, उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, उनसे फिर से कनेक्ट कीजिए। उनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनको डिलीट करने की जगह उनसे बातचीत चालू करें। जो भी कस्टमर नाराज़ हुआ है उनसे और अच्छा कुछ देने की कोशिश करें, मतलब अच्छा नेक्स्ट परचेज पे आपको अच्छा डिस्काउंट देना है, उनको गिफ्ट वाउचर दे दें। इफ़ यू कैन सॉल्व इट, हु कैन समवन सॉल्व इट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उनको कंप्लेंट्स की रिकॉर्ड कीजिए, फीडबैक लीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लीजिए, उनको डिसाइड कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या कैसे हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, क्यों फॉलोअप करें उनको। आपको स्कोरबोर्ड मैनेज करना होगा फॉलोअप का, उनके फॉलोअप का। तो ये थी ग्रीवेंस मैनेजमेंट। सेकेंड है आपको फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। जो भी कस्टमर कॉल कर रहा है तो फर्स्ट कॉल में रिजोल्व होना चाहिए फर्स्ट प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम के लिए वो कस्टमर ने बार बार कॉल करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर नाराज़ होता है, फर्स्ट कॉल में उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मतलब आपको मेजर करना है, जितना जल्दी आप एफसीआर रेट बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन बढ़ेगा, उतना ही सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा। कस्टमर जिस तरह का, जिसने जिसने एफसीआर रेट को मेजर किया है, उनकी एक साल में 35% सेल बढ़ी है, उनको ऐसे ही ग्रो किया है। तो फर्स्ट कॉल रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ कॉल पे मेजर ना करें, आपको वेबसाइट पे भी आपको रेजोल्यूशन करना है, आपको चैटबॉट्स रखना है, आपको ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना है, सोशल मीडिया पे अगर कंप्लेंट डाल रहे हैं तो सोशल मीडिया पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो आपको जितना जल्दी आप उनका रेजोल्यूशन करोगे उतना ही कस्टमर रिटर्न रहेगा। तो आपको मेजर करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर, आपको अलर्ट सिस्टम डालनी पड़ेगी कॉल बैक की, फीडबैक की अलर्ट सिस्टम भी डालिए। थर्ड है टर्न ऑवर टाइम। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो भी वापस आप रिस्पॉन्ड करते हो तो जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको ये पेशेंसी जितनी जल्दी हो सके उतनी बढ़ानी है, मतलब आप ईमेल सेम डे अगर कंप्लेंट आ रहे हैं तो सेम डे आप ईमेल कर सकते हो, 2 घंटे के अंदर आप कॉल बैक जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। टर्न आउट टाइम फास्ट रखिए, इम्प्रूव करना वर्ड, जितना जल्दी कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व होगा उतना ही जल्दी फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टमर विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट, 45% कस्टमर रिजेक्ट योर प्रोडक्ट क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपको कस्टमर का पेशेंट इम्पेशेंट हो जाता है, तो आपको अपने एम्प्लॉय को एक्सेस देनी है फर्स्ट कॉल पे, ऐसा ना हो कि कस्टमर आपके एम्प्लॉय उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे। तो आपको फर्स्ट कॉल पे ही उनको एक्सेस दिया तो वो फर्स्ट कॉल पे उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दे दें। 2 घंटे के अंदर आपको फ़ोन पे उठा लेना है, जल्दी से जल्दी आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये थी इंफॉर्मेशन ढूंढने लग रहा है, ये थी बिजनेस स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस की बिजनेस स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।